भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, उनके काम में सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीबों के हितों को दी जा रही है। हम टुकड़ों टुकड़ों में नहीं सोचते, बल्कि एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर चौतरफा कदम उठाते हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा रोडमैप पहले किसी के पास नहीं था जिसमें 130 करोड़ देशवासियों के स्वास्थ्य की चिंता समाहित हो। हमने स्वास्थ्य के साथ साथ इससे जुड़ी सुविधाओं में सुधार भी, उस पर भी ध्यान केंद्रित किया। हमारा रोडमैप था कि एक ऐसी स्थितियों को दूर करो जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इसके साथ ही हमने स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों के पहुंच को आसान बनाने पर काम किया, सुविधाओं को किफायती बनाया और उन क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं लेकर गए जहां अब तक इससे वंचित थे। स्वच्छ भारत से लेकर योग तक, उज्ज्वला से लेकर फिट इंडिया मूवमेंट तक, और इन सब के साथ साथ आयुर्वेद को बढ़ावा देने तक, इस तरह की हर पहल बीमारियों की रोकथाम में अपना अहम योगदान दे रही है। एक तरफ जहां इससे एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियों को रोकने में मदद मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ लाइफस्टाइल के कारण होने वाली बीमारियां भी ठीक हो रही है। साथियों, हरियाणा समेत देश भर में पारंपरिक और आधुनिक इलाज की तमाम व्यवस्थाओं को, अस्पतालों को, दवाखानों को, नेटवर्क को सशक्त किया जा रहा है। इसी सोच के साथ कुछ दिन पहले ही हरियाणा में 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत मैंने दिल्ली से वीडियो के माध्यम से की थी। आज गुरुग्राम में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ेगी और हमारे युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए अधिक अवसर भी मिलेंगे। साथियों, आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गरीब से गरीब को भी अस्पताल में जगह मिले, उसका इलाज हो सके, इस मकसद से काम हो रहा है। आयुष्मान भारत ने गरीबों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। जन औषधि योजना से सस्ती दवाइयां मिल रही है। जीवन रक्षक दवाइयों की कीमतों की भी नियंत्रित किया गया है। साथियों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हेल्थ केयर से जुड़े जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो स्वस्थ और सशक्त भारत के लक्ष्य को अनुकूल है। इसके लिए कई मंत्रालय मिलकर एक यूनिट की तरह कार्य कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है।